बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं गाजर का मुरब्बा तैयार कर रही हूँ। आपको बताती चलूँ कि गाजर का मुरब्बा दो तरह से तैयार करती हूँ। आज ये रेसिपी जो आपको दे रही हूँ ये थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपका ये मुरब्बा 8 से 10 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले आपको गाजरें दिखा दूँ कि मैंने 1.5 kg ली हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके और मैंने छील लिया। छीलने के बाद इस शेप में काट लिया। आप अपनी पसंद से लंबाई में भी काट सकते हैं और साबित भी रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेनर में रखी हुई है। अब एक पैन रखना है फ्लेम पर, उसमें पानी डाल देना। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया और इसे बॉईल होने देना। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें ये साफ की हुई गाजरें डाल देनी है। अब इन गाजरों को पानी में 10 टू 15 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। अब गाजरें बॉईल हो चुकी हैं, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और गाजरों को इसमें से निकाल देना है। को मैंने पानी से निकाल लिया है। अब इसमें कट लगा लेने हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस पैन में से पानी को निकाल लेना है और मेजरमेंट जग से सिर्फ 500 ml पानी इसमें डालना है। अब मैंने इसमें सिर्फ 500 ml पानी डाल दिया। अब यहाँ पर इसमें शुगर डाल देनी है 1/2 kg। आपको बता दूँ कि आप शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और साथ ही 5 से 6 अदद हरी इलायची साबित डाल दें या इसका पाउडर बना के इसमें डाल दें। अब फ्लेम को दोबारा से चला देना और अब इसका शीरा पकने देना है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये देखिए इस तरह से ये लेनी है और इसमें इस तरह से कांटे से सुराख कर देना है। वैसे आपको बता दूं कि ये काम ग्लव्स पहनकर करना चाहिए लेकिन इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मैं घर के लिए या वैसे बनाती हूँ तो हमेशा ग्लव्स पहनकर बनाती हूँ ताकि ये जितना अरसा पड़ा रहे ख़राब नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से सारे इनको कट लगा लेने हैं। तैयार हो चुका है और ये देखिए मैंने ये सारी गाजरों को इस तरह से कांटे से कट लगा दिया। अब ये इसमें डाल देंगे। इन गाजरों को शीरे में 10 मिनट तक पकने देना। अब मैंने इसे 10 टू 15 मिनट्स तक कुक होने दिया, ठीक है। अब फ्लेम को बंद कर देना है। कर दिया और अब इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है इसी तरह कवर करके। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसे रखे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और गाजरों ने भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा है और शीरा पतला हो चुका है। अब यहाँ पर गाजरों को निकाल लेने लग बाउल में, ठीक है।
दोबारा से फ्लेम को चला दिया और शीरे को थोड़ा पकने देना है। जो इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो पक जाएगा। शीरा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, इसमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें ये मैंने बादाम रखे हुए थे पानी में भिगो कर, इनका छिलका उतार लिया, ये भी साथ ही डाल देना है, ये डाल देना है। और ये दोबारा से इसमें ये गाजरें वापस डाल देनी है, ठीक है। अब इन गाजरों को दोबारा से इसमें 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। अब मैंने गाजरों को इसमें शीरे में 10 टू 15 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कवर करके फिर दोबारा से 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है। इसे रखे के 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो बता दूं, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपका मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से गाजरों को निकाल लेना है। सिर्फ थोड़ा सा ही पतला हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बस अभी से थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी है तो वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब शीरे को मैंने अच्छी तरह से पका लिया तकरीबन 5 से 6 मिनट, और इसमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब ये दोबारा से इसमें गाजरें डाल देनी है, ठीक है। अब देखें कि शीरा भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तकरीबन 2 तार की इसमें चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इस गाजरों को इसमें सिर्फ 10 मिनट तक कुक होने लेना है। अब गाजरों को भी मैंने इसमें 10 मिनट तक कुक कर लिया, ठीक है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। अब ये देखें मुरब्बा ठंडा हो चुका है। अब ठंडा शीशे के बाउल में डाल के रख लें, या फिर इस तरह का कोई शीशे का जार हो इसमें डाल के रख लें। मैं शीशे के जार में डालने लगी हूँ। नीचे मैंने सारे मुरब्बे को जार में डाल दिए और इसे कवर कर दिया। ये बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। आप इसे 7 से 8 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह।